ये माशाल्लाह जी कुल्फ़ी है, देखें जी कितनी मज़ेदार लग रही है। इसमें मैंने सिर्फ दूध डाला है और साथ में थोड़ा सा पानी डाला था और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अभी बस जो है थोड़ी सी खुड़ती है तो इसको खाते हैं, तो साथ चम्मच के साथ में। पहले बचपन में मैं बहुत खाया करता था, अभी ने बहुत देर के बाद ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी जुकाम लगा हुआ, फिर भी इंशाल्लाह खाएंगे। ये ओल्ड इज़ गोल्ड है, ओल्ड इज़ गोल्ड एवरीवन। और सूरज चेक करें माशाल्लाह जी बहुत अच्छे तरीके से चढ़ा हुआ है। असली आज का व्लॉग करते शुरू, तो अभी हम जा रहे हैं किंगरा टाउन में, तो वहाँ पर कुछ हमें काम था, इसलिए मैं और अदरमान भाई जा रहे हैं। मैं भी जाना है। तो अभी अंदर मैं भी जाना है। ये लिख रहा है जी स्कूल का, की लिख रहे हैं हैं, की लिख है करना हूं वर्क मार बा दिया मास्टर को करी करी। अच्छा ये ब्रो सामने करांगा अन्ना करी ब्रो सामने करांगा रे ते तत तत आज छवाड़ में खाने ने ओथे पिज्जा ने तत पिज्जा पिज्जा दन मैं थोड़ा भाई मैं एक हफ्ते बाद आया तन मैं पिज्जा लाऊं मैं एक ना 2-3 हज़ार लेके आया है। अच्छा अभी जी गाड़ी का काम करा रहे हैं, अभी ये सारी करा ली है, फिर ट्यूनर कराने हैं इसकी। इसकी इंजन का मसला है इसलिए ये देखें धुआं इसका बहुत ज़्यादा निकल रहा है, काला हो गया, इंशाल्लाह इसको सही। ये मेरे साथ आए दरमान भाई हनान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जाएंगे बैठ लेकर आएंगे। नहीं नहीं यार तो मैंने सिर्फ जो है ना वो ट्यूनर करवानी थी बस, तो भाई ने जो है ना वो पहले तेल जो है खोल लिया, इसलिए मैंने कहा चलो तेल भी साथ चेंज करते हैं, अभी महीना नहीं हुआ तो फिर 10 दिन हुए हैं बस तेल से चेंज करवाए हुए, तो फिर इसका जो है वो तेल भी चेंज करवाना है साथ में, फिर उन्हें भी इंशाल्लाह कराएंगे। ये अपनी गाड़ी है, ये देखें इसका जो इंजन है वो सारा खोला हुआ है इन्होंने, और टोटली जो खर्चा अपनी गाड़ी पर आना है तकरीबन कोई 12-13 हज़ार रुपये इंशाल्लाह आएगा, तो इस पर लगाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, इसका मुकम्मल जो है वो इसको नया कर देंगे, इसका जो शॉक है ना वो भी करेंगे उस साथ में, जो ये सारे इंजन वगैरह जो है ना और चैन कवर सारा इसका जो न्यू जो है वो डलने वाला है, तो इंशाल्लाह अगले जब मैं अगली 12 का रमजान में तो इसका अदरमान भाई का बैट लेना भी इंशाल्लाह वो भी लेंगे, तो बैट जो है वो तकरीबन मैंने पूछा था बहुत ज़्यादा हाई रेट है इसके यार 1700-1800 रुपये कह रहा, तो इंशाल्लाह अभी उससे कम करवाएंगे। अभी अदरमान भाई का न्यू बैट ले लिया है, ये कितने का है? 1600-1500 का फाइनल किया है यहाँ, ये बल्ला कोबरा का बल्ला है ये, थैंक्स यार। अभी चेक भी नहीं किया बल्ले के ठीक है ना, ये कह रहा था कि ये पुराने बल्ला नहीं इसके पास था लेकिन इसने यूज़ नहीं किया यार, वो तो हैं यार। अच्छा चल चल ठीक है, बुतरा ख़राब करी हूँ अभी निकलते हैं इंशाल्लाह अभी अपने गाँव की तरफ, काफ़ी लेट हो गया, पहले मैंने ट्यूनर क्रिएट करवाई थी, बाद में इंशाल्लाह अभी जो है ना वो बैट लिया है, तो तकरीबन 5:30 बजने वाले हैं, नैन भाई मेरा वेट कर रहे हैं, चलते हैं जाके इंशाल्लाह चलते हैं जाकर खेलते हैं। तो अभी जी हमने बर्फ़ी ली है कोई 150 रुपये की, तो भाई कह रहे थे कि बर्फ़ी हमें खिलाओ तो बर्फ़ी ली है अभी, तो अभी जो है ना इससे जो है ना मंगनी शुरू हो गई है, तो मंगनी से काफ़ी जो है ना वो ये आँखें जो है उस पर असर पड़ता है, बंदा अगर चश्मे नान पहने तो बंदे की आँखें ख़राब होती हैं, तो एहतियात जो है ना आप चश्मे ज़रूर डालें। तो खैर अभी चेस्ट चेक करते हैं जी बर्फ़ी कैसी है। सही नहीं और की मज़ेदार है दे यार मैं खादी ध्यान। तो गर जी अपने हम आ चुके हैं, तो मैंने गाड़ी का जो तेल है ना वो चेंज करवाया और साथ ट्यूनर करवाई है, तो टोटली जो है मेरा 1300 रुपये जो लगा है, तो मैंने सिर्फ सॉरी मैं ट्यूनर करवानी थी इसलिए ना वो उसने तेल भी चेंज कर दिया, मजबूरन मुझे पैसे देना पड़े, 600 रुपया उसकी मजदूरी थी, बाकी 700 रुपया तेल का चेंज करने का। अभी बल्ले की ट्राई करते हैं जी, बल्ला कैसा है ये? ये है जी ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा अभी इंशाल्लाह ऊपर जाके चेक। तो ये जी अपना छत है यहाँ पर, अभी हम ट्राई करेंगे बैट को, पहले हम बहुत खेला करते थे यहाँ पर ना, अभी मैं जो है ना काम पर होता हूँ इसलिए जब मैं फैक्ट्री में था ना तब हम यहाँ पर खेलते थे, अभी जो है मैं रेस्टोरेंट में जब पर गया हूँ जब से गया हूँ तब से मैं छोड़ दिया। ये ब्लैक कोबरा इसका भी हम ट्राई करेंगे, तो जी वो सामने जो है वो बंद रही है, उस बेचारे को वहाँ पर कैद कर दिया, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आखिर ये एक जानवर है ठीक है उसको भी जीने का क्या, लेकिन उसको बेचारे को कैद किया हुआ है तो मुझे अफसोस हो रहा है। तो जी खैर दिए अभी चेक करें माशाल्लाह जी अभी शाम हो रही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रहा है जी गाँव का।
जब बंदा गांव में आता है तो दिन का पता नहीं चलता, ऐसे गुजरते हैं जी मिनटों में। तो जब बंदा काम पर होता है फिर दिन गुजरता ही नहीं है, फिर क्या ये बस कुदरत का एक निज़ाम है। तो खैर अभी करते हैं जी कुछ। आज ही माशाल्लाह जी शब रात है, तो आज बहुत बड़ा दिन है जी, क्योंकि आज सारा दिन जागते रहना मतलब सुन्नत है। तो इंशाल्लाह मैं भी जागूंगा और इंशाल्लाह कल रोज़ा रखेंगे, तो इंशाल्लाह भी जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं, शाह की नमाज़ होने वाली है फिर पढ़ेंगे। तो खैर जी अभी जो है ना काफ़ी दिन पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपके साथ बात शेयर करते रहेंगे। बस आज का दिन जो है बस यही दुआ करेंगे, बस तौबा करें और नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह को सब कसरत से याद करें। तो मैं बस जो है इंशाल्लाह मैं अभी गाँव में जी लाइट चली गई है अभी, ये चक्कर अंधेरा हो गया तरफ, तो 7:30 7:15 हुए अभी, तो लाइट चली गई है, कल तो नहीं गई थी आज चली गई है। तो अभी इंशाल्लाह चलती है अपने बाइक के घाट, वहाँ पर जाकर वैसे ही जो है वो स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट ही नहीं है इसलिए जो है मैंने कुछ नहीं पाया। इंशाल्लाह अभी कुछ ऊपर से डाल लेते हैं ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि अभी ऐसे मौसम में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जी माशाल्लाह जी लंगर शरीफ मिला है मेरे को। तो पहले हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा महफिलें होती थी, नाते लोग जो मौलवी थे पढ़ते थे, तो इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही बस उन्होंने जो है वो ख़त्म दुआ के तो बस चावल बांट दिए, पता नहीं ये अजीब सा कोई होता है। बाकी इंशाल्लाह भी जो है ना अल्लाह ताला की बात करते हैं, आज के दिन वो जो है ना वो बहुत अहम है। तो ये सारे दिन का जो इंसान का रिजल्ट इसी दिन जो है वो लिखा जाता है कि आगे क्या उसने करना है, इसको सेहत मिलनी है या नहीं मिलनी, ये सब आज डिसाइड होता है। तो खैर जी आज का जो ला गया इन पर ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह कल मैं रोज़ा रखूँगा, तो आपके साथ जो वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगा वो भी